हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद किरण। तो फ्रेंड, यदि हमें अपना वेट को कम करना होता है, फैट को बर्न करना होता है, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़रूरी होता है प्रोटीन। हमें अपना शरीर को प्रोटीन देना होता है, जिसके कारण फैट बर्न होता है। प्रोटीन बहुत सहायक होता है फैट बर्न करने में। फ्रेंड, यदि प्रोटीन हम नहीं खाते तो हमारा जल्दी से फैट बर्न नहीं होता है, वेट कम नहीं होता है। बहुत दिक्कत आती है वेट कम करने में, इसलिए हमें प्रोटीन खाना ज़रूरी से ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं अभी फ्रीजर से पनीर का पैकेट निकाल के लाई हूँ। यह बहुत कड़ा है, ये कट नहीं रहा है। तीसरे में थोड़ा सा गर्म पानी करके उसके अंदर डुबोऊंगी 5 मिनट, उसके बाद मैं इसे निकाल ली। यहाँ पे देखिए मैं निकाल ली। तो चलिए फ्रेंड, तब तक मैं कट करती हूँ, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने पनीर को कट कर दिया छोटे छोटे स्क्वायर में। उसके बाद में कढ़ाई में देखिए, मैंने यहाँ पे तेल बहुत कम लिया है फ्रेंड, क्योंकि पनीर है फ्रेंड, तो हम लोग ऑयल को स्किप भी नहीं कर सकते, थोड़ा तो डालना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं 2 चम्मच केवल ली हूँ। यहाँ पे मैं लाल मिर्चा के जगह हरी मिर्ची यूज कर रही हूँ। मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और तेज पत्ता डालती हूँ। तेज पत्ता बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड, विलेज में भी देखिएगा तेज पत्ता ज़रूर डालते हैं, इसलिए मैं तेज पत्ता डालती हूँ। उधर मैंने प्याज को छोटा छोटा पीस कर लिया है, कट कर लिया है। 2-3 प्याज मैं ली हूँ फ्रेंड यहाँ पे, आप चाहें तो जितना भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ ज़्यादा लिया है। मैं इसी तेल में हल्का हीट पे डाल दीजिए हमको, धीरे धीरे मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे फ्राई हो चुका है। मैं काली मिर्च, हल्दी एंड जीरा का थोड़ा सा धनिया पत्ता पूरा मिला के 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दी। अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट बनाई हूँ फ्रेंड। पेस्ट है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का। मैं लाल मिर्च यहाँ बिल्कुल भी नहीं यूज कर रही हूँ फ्रेंड। तो देखिए सभी को अच्छा से धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे, तेल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। उसके बाद देखिए साइड में मैं एक साइड में पालक, जितना भी क्वांटिटी पालक लेना है, पालक को अच्छी तरह से धो के मैं यहाँ पे बॉयल कर ली, हल्का बॉयल की। उसका पानी मैं फेंकी नहीं, उसका पानी रखी हूँ, बाद में इसी में यूज करना है फ्रेंड, क्योंकि पानी में ही सारा पालक का जो भी रहता है ना, वो पानी में चला जाता है, तो उसे फेंकते नहीं, फिर बाद में इसे डाल लेंगे। तो देखिए पालक को मैं यहाँ पे ग्राइंड कर ली, पेस्ट कर ली अच्छा सा, और इसके बाद मैं फ्राई जो किए हुए थे ना मसाला, उसमें मैं इसमें पालक डाल देती हूँ। पालक भी वेट लॉस करने में बहुत मदद करता है। यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ सभी को मिला करके, और बाद में इसमें मैं पनीर का जो तवे मैंने हल्का हल्का सेक किया है ना, उसे इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हो चुका है। आप लोगों को लग रहा होगा फ्रेंड को सभी चीज़ तो मिला थी, इसमें टमाटर नहीं मिला है, तो ऐसा नहीं है, मैं टमाटर भी मिलाऊंगी, लेकिन शायद आप लोग उसे अच्छी तरह से फ्राई करते होंगे तेल में। मैं यहाँ पे फ्राई नहीं करूँगी, कच्चा टमाटर को ही, 3-4 टमाटर को मैं, लाल टमाटर को ग्राइंड में अच्छी तरह से पेस्ट कर ली, ग्राइंड करके पेस्ट कर ली उसे, फिर मैं पालक पनीर में डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड। इसे 5 मिनट तक खौलाएंगे। बस यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, लगभग बन चुका है। लेकिन अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड, मैं लास्ट में बहुत अच्छा ही चीज़ डालने वाली हूँ। इतना भी आप खाएंगे ना फ्रेंड, तो बहुत हेल्थ, हमारा वेट बहुत कम होता है। ये बहुत अच्छा रेसिपी बन चुका है वेट लॉस के लिए। इसमें सब्जी है, हरा सब्जी है, प्रोटीन है, जो भी हरी सब्जी में होती है। पालक बहुत हेल्थ के लिए हमारा अच्छा होता है। तो देखिए मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है, और इसमें फ्रेंड यदि आप खुद खाना चाहते हैं, खुद को वेट लॉस करना चाहते हैं, आपका खुद का वेट बहुत ज़्यादा हो गया है और कम करना चाहते हैं, तो आप खुद अपने लिए अलग से निकाल लीजिए, बाकी फैमिली के लिए। इसमें अलग से मैं बटर डाली हूँ, क्योंकि छोटा छोटा सा कट करके इसमें मैंने स्प्रिंकल कर लिया ऊपर से, गरम गरम है, उसी में मैंने कर लिया, ताकि उसका पिघल करके उसमें अच्छी तरह से पालक पनीर के अंदर चली जाए, उसका टेस्ट अलग ही होता है फ्रेंड। आप इस तरह का यूज करके देखिए, 1 चम्मच इस तरह का खा के देखिए, बहुत टेस्ट लगेगा। लेकिन वेट यदि कम करना है तो मत खाइए, टेस्ट थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह बना करके बटर का आप फैमिली को खिलाइए, फैमिली का आपको बहुत पसंद आएगा, बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे फ्रेंड। तो ये हुआ हमारा वेट लॉस रेसिपी।
जो कि आप भी खा सकते हैं और ऊपर से बटर डाल के फैमिली वालों को भी खिला सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा। तीखा अपना अनुसार, मिर्चा के अनुसार रखिएगा फ्रेंड। यदि ज़्यादा तीखा खाना है तो ज़्यादा मिर्चा डालिए, कम तीखा खाना है तो कम मिर्चा डालिए। मसाला भी ज़्यादा नहीं है इसमें डालो, आपने देखा केवल एक चम्मच में मैंने सारा मसाला डाल दिया। इस तरह का आप 10 से 15 दिन में एक बार बना सकते हैं, प्रोटीन से भरपूर है। तो फ्रेंड आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर क्लिक कर लीजिए। फ्रेंड फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।